हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कच्चे आलू का एकदम टेस्ट नया और टेस्टी नाश्ता। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें कच्चा आलू लेना है और उसे हम अच्छे से छील लेंगे और उसे हम फिर पानी में अच्छे से धो लेते हैं, धोकर साफ़ कर लेंगे। और फिर हम इसे अब कद्दूकस करेंगे। सारे आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे और फिर हम इसे पानी में डाल देंगे ताकि ये काला ना पड़े। और इसे हाथों से अच्छे से सारे पानी को हमें छान लेना है, जोर से दबाकर सारे पानी निकाल लेने हैं। और इसे एक अलग बर्तन में डालेंगे, ये आप देख सकते हैं। और इसमें हम एक कटा हुआ बारीक प्याज डालेंगे और 4-5 मैंने हरी मिर्च को बारीक काट के डाला है। आप चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, चाहे आप कम भी रख सकते हैं 1-2। और फिर हम इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर हम इसमें मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाला है और फिर हम इसमें आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें मिर्ची डाल सकते हैं। और फिर हम इसमें आधी चम्मच नमक डालेंगे और 1 छोटा चम्मच हम इसमें चाट मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून सूजी डालेंगे और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हम धनिया पत्ता डालेंगे। और फिर हम 1/2 कप के लगभग बेसन डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि मैंने आलू को धोया तो उसमें थोड़ा सा पानी है, इसलिए इसमें नहीं डालना है। अगर आप पानी डाल देंगे तो ये इतना कुरकुरा नहीं होगा, ये बहुत ही क्रंची कुरकुरे हैं। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें। गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाते हैं, वॉयल को गर्म होने देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा वॉयल गर्म हो चुका है या नहीं। तो चलिए थोड़ा सा और गर्म होगा, तब तक हम ये देखिए सारा गर्म, ये गर्म हो चुका है। हमको जितना भी इसमें डालना है, जितना हमारे वॉयल में आटे उतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे, नहीं तो ये अच्छे से कुरकुरे नहीं होगा, कड़ा नहीं होगा। इसको मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे अच्छे से तल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो चुका है, देखिए अब हम ये बहुत अच्छे से हो चुका है, गोल्डन ब्राउन तक हम इसको फ्राई करना है। ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, बहुत अच्छा कलर आ गया है। और इसे हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल एकदम यूनिक नाश्ता है और आप 5 मिनट में इस नाश्ते को बना सकते हैं, 5 मिनट में इसको बना सकते हैं, इस पकौड़े को। आप इसको शाम के टाइम में भी खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही टेस्टी यम्मी है। आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।